पूर्णिया में एक बार फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। ताजा मामला पूर्णिया के होपवेल हॉस्पिटल का है, जहां के नगर बहुरा के रहने वाले एक मरीज जिसका एक सप्ताह से इलाज चल रहा था, अचानक उसकी मौत हो जाने के बाद परिजन उग्र हो गए और हॉस्पिटल में आकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने हॉस्पिटल के संचालक अमित मिश्रा पर आरोप लगाया और कहा कि होपवेल हॉस्पिटल संचालक अमित मिश्रा द्वारा GMCH जाकर मरीज को बहला फुसला कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। करीब एक सप्ताह में लगभग 2 लाख का बिल दिया गया, जो अस्पताल में जमा करा दिया गया और मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों को और पैसे देने के बाद शव देने की बात कही। फिलहाल हंगामा होने के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए GMCH भेजा गया। हम आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में इससे पूर्व भी मरीज की मौत हो चुकी है। सील होना चाहिए। नहीं चाहिए पूर्णिया में जो हॉस्पिटल दिया है सब हॉस्पिटल नहीं चाहिए। आज तक भी पैसा मांग रहा था, आज भी इसको पैसा दिए हैं, अभी भी लाश नहीं दे रहा था। मरने के बाद सवेरे मेरा भाई डेट हुआ है, जब वहां से हम आदमी लेकर आए हैं तभी लाश दिया। अभी भी 2 लाख रुपए मांग रहा था, जबकि 2 लाख रुपए हम इसको 2.5 लाख दे चुके हैं, फिर भी 2.5 लाख रुपया और मांग रहा था। सवेरे डेट हुआ है, ये बोला कि नहीं सही है, सवेरे से अंदर जाने के लिए नहीं देता है किसी को। जो बहला फुसला कर लाया हॉस्पिटल से कौन? अमित मिश्रा। अमित मिश्रा उसका ड्राइवर अमित मिश्रा जी जी, बंगाल टाइगर गाड़ी जो गया है अभी उससे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार ठाकुर। अभी आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे सर, केस करेंगे। हमको पैसा रिटर्न चाहिए 2 लाख रुपया।